नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही खास, बहुत ही टेस्टी व्रत के लिए फिंगर स्नैक्स बना के दिखाने वाला हूँ, जिसे कि आप व्रत में ही नहीं बल्कि आपका जब भी मन करे कुछ चटपटा खाने का तो इसे बना के आराम से खा सकते हो। तो फिर चले बनाना शुरू करें। तो इस व्रत के फिंगर्स को बनाने के लिए यह मैंने लगभग 1 कप समा के चावल लिए हैं, जिसे कि हम मिक्सी के जार में डालेंगे। अभी इसे पीस कर इसकी पाउडर बनाते हैं। ये देखिए, ऐसी पाउडर बनाना है। अब इसे उठा के चलते हैं दोस्तों किचन की ओर। यहाँ पर हमें पैन में लगभग 3 कप पानी डालना है और पानी डालने के बाद 1 चम्मच तेल डालेंगे। अभी स्वादानुसार सेंधा नमक डालते हैं। अब 1/2 चम्मच जीरा डालते हैं। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हो तो जीरा आप स्किप कर सकते हो। अभी डाल दिया मैंने बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची। इसके बाद आप व्रत में धनिया पत्ता खाते हो तो धनिया पत्ता डालिए और थोड़ा सा चम्मच चला के इसमें उबाल आने का इंतज़ार करिए। जैसे ही उबाल आ जाए तब डालना है समा के चावल का पाउडर। अभी इसे मिलाते हैं। दोस्तों, हमें फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखकर इसे अच्छे से मिलाना है। अभी क्या करेंगे, इसमें आलू डालेंगे। यह मैंने एक मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके कद्दूकस करके लिया है। तो इसमें ऐसे प्रेस करते हुए अच्छे से मिला लेंगे और इसका डो बनाएंगे। ये देखिए, हमारा ये डो तैयार है। तो अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद डो को सरफेस पे या फिर कटिंग बोर्ड के ऊपर निकाल के स्क्वायर शेप में फैलाना है। तो इसे हम ज़्यादा पतला नहीं बल्कि थोड़ा सा जाड़ा बनाना है। ये देखिए, इसी तरह से जाड़ा बनाना है। अभी क्या करेंगे, इसे लंबे लंबे स्ट्रिप में काट लेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहो तो इस स्नैक्स को किसी और शेप में भी बना सकते हो। तो इस रेसिपी को आप व्रत में या फिर कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इसे ज़रूर बना के देखें और बनाने के बाद आप देखना, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये देखो आप, ऐसे बनाने के बाद हमें इन्हें फ्राई करके लेना है, यानी कि डीपली फ्राई करके लेंगे। इसे फ्राई करते समय आप ध्यान रखिए कि इसे हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और बाहर से जल्दी फ्राई होंगे। तो आप फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखकर फ्राई करें। हम इसे सुनहरा कलर आने तक फ्राई करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो कि हमारा स्नैक्स अच्छे से फ्राई होने लगा है, यानी कि फ्राई ही हुआ है। तो कैसी लगी आज की यह व्रत की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।